देखिए, आपका टीपीए शुरू किया गया था भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इसमें आपका कहाँ ये देख लिया जाए, जहाँ तक बताया गया था कल, फिर एक बार हम दोहरा देते हैं, उसके बाद बात ना करिए भाई अब। उसके बाद आपका इसमें आगे बढ़ा जाए और प्रयास ये किया जाए कि जो सामान्य बातें हैं आज समाप्त हो जाए भाई। फिर एक बार आपको मैंने सूचना भी दे दी जाए कि सबसे पहले आपका इस हफ्ते टीपीए में जो प्री में आता है उसको केस वाइज और सिद्धांत वाइज छंटवाया जाएगा और एक जगह पहले लिखवाया जाएगा, उसके बाद आराम से एक एक सेक्शन आपका पढ़ाया जाएगा, ताकि जो लोग एलएलएम दे रहे हैं, प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं या जो भी हो, आपका कम से कम प्री के लिए उनका एक हफ्ते में तैयार हो जाए। 80% लगभग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। तो आपका ये देखिए, सामान्य बातें अभी चल रही थी, फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं। सामान्य बातों में आपको ये बताया गया था कि जब द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि शॉर्टकट में टीपीए कहा जाता है, ये 1882 में बनी थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, कल बताया भी गया कि जब ये कानून 1882 में बना, 1882 में बना, तो उस समय शासन किसका था? दूसरा पॉइंट ये देखना है, तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। अब तीसरा पॉइंट हम बताए थे कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को वर्तमान में भारत में इन्फोर्स रहने का, बने रहने का, या लागू रहने का, या कह सकते हैं प्रवर्तित रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो कल मैं बताया था आर्टिकल 372 आपका बेस है। यानी कि आर्टिकल 372 ये बताता है कि जब तक कि कोई कानून जो संविधान के पूर्व का है, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ला है, जब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा रिपील न कर दिया गया हो, तब तक वह भारत में लागू रहेगा। अब ये समस्या है कि क्या रिपील कौन कर सकता है? तो एक तो हमारी संविधान सभा सक्षम थी कि वह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त कर दे, और संविधान सभा ने किया भी, कल बताया गया था आर्टिकल 395 के तहत दो कानूनों को रिपील किया, लेकिन टीपीए हुआ, आईपीसी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एविडेंस हुआ, इसको रिपील नहीं किया। अतः अनुच्छेद 372 में इनको एडाप्ट किया गया है, इनको एडाप्ट माने ग्रहण किया गया है, ग्रहण का मतलब गोद लिया गया है, गोद का मतलब दत्तक लिया गया है, लेकिन आपका इंग्लिश वर्जन है एडाप्शन। एडाप्शन को कहते हैं अनुकूलन करना भाई, ये भी लीगल वर्ड भी याद रखिए, क्या कहते हैं? अनुकूलन। फिर हमने आपका बताया था कि जो 26 जनवरी 1950 के पहले के कानून हैं, उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल नाम देता है, ये भी आपका पूछा जा चुका है इंटरव्यू में, ला इन्फोर्स, यानी कि विद्यमान विधि। फिर एक और हमने कंसेप्ट कल बताया था कि यदि टीपीए का कोई प्रावधान हमारे फंडामेंटल राइट का विरोधी हो, तो हमारा फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, और टीपीए का वह जो प्रावधान है उस लिमिट तक, उस मात्रा तक, उस सीमा तक वाइड होगा। पहला शब्द वाइड ही मार कर आइएगा, वाइड न रहे तब अवैध इत्यादि देखिएगा, ये गलती न हो भाई। फिर मैं बता रहा हूँ, ये सब गलतियाँ क्षम्य नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वरीयता बेयर एक्ट को दी जानी है, जो बेयर एक्ट में लिखा है, अगर हू बहू वो शब्द आए तो वही शब्द मार कर आई। एक और मैं उदाहरण बता रहा हूँ जो काफी लोग गलत करते हैं, जैसे कि समन मामला क्या है, सीआरपीसी में पूछा जाता है, तो आप पहली वरीयता बेयर एक्ट को देंगे और बेयर एक्ट में लिखा गया है ऐसा मैटर जो ऑफेंस से संबंधित हो, जो अपराध हो,
और जो वारंट मामला न हो, यानी कि जो वारंट मामला न हो उसी को हम क्या कहेंगे, समन मामला। अगर ये वाक्य सीआरपीसी में न रहे तब दंड की मात्रा पर आएंगे, और ऐसे अपराध जिसमें सजा 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम या केवल जुर्माना हो वह समन मामला माना जाएगा। लेकिन पहली वरीयता आप किसको देंगे, बेयरेक। ये आ चुका है क्वेश्चन यूपी में ही। इसके बाद आइए, टीपीए का हम निर्माण कराए थे और उसकी भी भूमिका बनाए थे। टीपीए का जो निर्माण है वह किस ला कमीशन की सिफारिश पर किया गया, ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, लेकिन अब आगे चांस है पूछने का। कुछ नए क्वेश्चन कवर करिए जो अब तक के इतिहास में पूछे न गए हों। तो टीपीए का निर्माण 3rd ला कमीशन की सिफारिश पर किया गया, तो किस ला कमीशन की सिफारिश पर किसका किसका निर्माण हुआ? आपका कर्तव्य है कि एक जगह, आपका कर्तव्य है कि इनको एक जगह आप एकत्र कर लेंगे, लिखवाते समय भी मैं लिखवा दूंगा, और तीनों याद करके जाइएगा। 1st ला कमीशन के रिकमेंडेशन पर आईपीसी बना, 2nd ला कमीशन के रिकमेंडेशन पर सीपीसी प्रथम बार, यानी कि 1859 में, और 3rd ला कमीशन के सिफारिश पर आपका टीपीए। ये रट अब रटिए, मैंने आज से शुरू कर दी है रटना। अब एग्जाम भाई होगा तो समय नहीं मिलेगा उधर कि आप इतना पढ़िए, अभी 2-3 सब्जेक्ट और भी बचे हैं तो आपका वो पढ़ाया जाएगा डिटेल में। इसीलिए छोटे छोटे कानून इधर निकाले जा रहे हैं ताकि बड़ा कानून लग जाएगा तो ये सब मात खा जाएंगे। तो मात न खाया जाए, इसको पहले पूरा कर लिया जाए, और तब आपका सीपीसी संविधान, ये 2 मेन बचेंगे। और एविडेंस समाप्त होगा तो भाई सीआरपीसी लगेगी उसकी जगह, और आईपीसी चल ही रही है, यानी कि एक एक साइड में एपीओ भी हम लेकर चल रहे हैं, और पहला जो पीरियड चलेगा ये एपीओ का नहीं चलेगा, ये जे का लगातार चलता रहेगा। क्योंकि संविधान भाई जब लगाया जाएगा तो मान के चलिए वो प्री के पहले तक चलता रहेगा, यानी कि 2-2.5 माह कम से कम, सवा सवा डेढ़ डेढ़ घंटा खींचा जाएगा, तब जाके पूरा होगा। तब तक आपका जो छोटे छोटे कानून है, आपका पुछल्ला 15-15 नंबर के आएंगे, इसको निकाल दिया जाए। टीपीए में भी आपका 15 क्वेश्चन आते हैं, बता दिया जाए भाई, कॉन्ट्रैक्ट में 15, बंटवारा किया गया है, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन में 15 हो गया, जुरिस्प्रूडेंस में 15 हो गया, फिर एक बार देखिए तो आपका इतिहास हमने बता रखा है, उसको भी एक बार एक लाइन दोहरा दें। इतिहास में हमने ये बताया था कि इंग्लैंड में इक्विटी कोर्ट थे, और बिहार का 7-8 क्वेश्चन कल निकाला गया था प्री का, और कम से कम रट कर जाइएगा। तो इक्विटी का जन्म कहाँ हुआ ये बिहार ने पूछा, तो रोम, माने आपका रोम में, रोम के किसने किया, प्रेटरों ने, रोम से इंग्लैंड इक्विटी आई। और ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि इक्विटी कोर्ट कौन था इंग्लैंड में, तो चांसरी न्यायालय, यानी कि जो चांसरी न्यायालय था उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विटी कोर्ट, यानी कि आपका साम्य न्यायालय। अब साम्य न्यायालय करता क्या था, तो जहाँ कोई कानून नहीं था या कानून में कमी थी, कानून में दोष था, तो अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ और उस विषय पर कोई कानून न हो तो इक्विटी कोर्ट न्याय के आधार पर, साम्य के आधार पर, गुड कंसेंस के आधार पर, यानी कि अंतःकरण के आधार पर फैसला देता था। और टीपीए में जो आप प्रावधान देखेंगे ये शुद्ध रूप से आपका 80% जो प्रावधान है ये इंग्लैंड के न्यायालयों द्वारा संपत्ति के मामले में दिए गए फैसलों पर आधारित हैं। यानी कि इंग्लैंड के न्यायालयों ने जो प्रॉपर्टी संबंधी विवादों में निर्णय सुनाया, और उन्हीं निर्णयों को टीपीए में तृतीय विधि आयोग ने क्या किया, पिरो दिया, यानी कि आपका रख दिया,
अतः ऐसी दशा में टीपीए में ये आपको मिलेगा कि ज़्यादातर जो सेक्शन होंगे उसमें कोई न कोई केस होगा। तो आपका सेक्शन, सिद्धांत और केस, ये आपका रट्टा मारना है। ये मैं बता दूं, एकदम रट कर जाइए कंपटीशन में। सेक्शन, उसमें प्रिंसिपल और लीडिंग केस, ये पहले मैं लिखवाऊंगा तीनों। और इसमें आपका, अतः इसका मतलब या तो इंग्लैंड के न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो हूबहू रख दिया गया, या उसमें संशोधन करके टीपीए में रखा गया, या उसके विपरीत निर्णय दिया गया, यानी कि उसके विपरीत टीपीए में प्रावधान किए गए। तीन बातें हो सकती हैं। अब कहाँ सपोर्टिंग नेचर का है, कहाँ विरोधी नेचर का है, और कहाँ आपका इंग्लैंड के न्यायालय के निर्णय के विपरीत बात लिखी गई है टीपीए में, ये हमारा कर्तव्य है बताना एक एक सेक्शन बताते समय। अब आइए आगे बढ़ा जाए। आपका अगला, आपका जो सामान्य बातें चलती हैं, आपका टीपीए में प्रथम बार संशोधन, कल लिखवा जाएगा भाई इसको, आज भूमिका हो जाए। जहाँ तक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात है, आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आ सकता, अभी तक पूछा नहीं गया, मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम, यानी कि टीपीए में फर्स्ट अमेंडमेंट या प्रथम बार संशोधन कब हुआ, अगर ये क्वेश्चन आपका पूछता है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो आपका जवाब रहेगा 1885, यानी कि सर्वप्रथम टीपीए में 1885 ईस्वी में संशोधन किया गया। अब यहाँ से आपका कोरिलेट करके एक क्वेश्चन निकालना है, और आपका निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपका पिछली बार यूपीजे में भी क्वेश्चन बना, आपका एपीओ में भी एक मॉडल ऐसा बना था, एलएलएम में भी बनता है, और उत्तराखंड एपीओ में भी पूरा चांस है। तो जितने कानूनों में प्रथम बार संशोधन हुआ है, कम से कम वो सन हम लिखवा देंगे, और सन आपका रट्टा मारना है। यानी कि अगर टीपीए पूछ ले कि टीपीए में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1885। इसी प्रकार अब चूंकि उत्तराखंड का भी पुलिस एक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया, तो अब तक एक ही बार संशोधन ही हुआ है, कब, 2018। इसके बाद सीआरपीसी में पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं गया है, तो 1978 में हुआ सीआरपीसी में। आईपीसी में पिछली बार यूपीजे में आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो अगर आईपीसी पूछे, इंडियन पेनल कोड पूछे, पिछली बार जे में आया है, तो 1870 मार कर आएंगे, यानी कि आईपीसी में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1870। फिर आपका इस बार जो यूपी एपीओ में आया, वह साक्ष्य अधिनियम में आया था, और साक्ष्य अधिनियम में 1938, यानी कि 1938 में प्रथम बार संशोधन किया गया। और इसके बाद लास्ट में आप कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ लीजिएगा, तो प्रथम संविधान संशोधन किस सन में किया गया, लगभग सभी लोग जानते होंगे, 1951। फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं भाई, एक क्वेश्चन बनने, हाँ कॉन्ट्रैक्ट में देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में छूट गया था, तो 1899। फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए भाई, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, मैं बता दूं यहाँ से, देखिए आपका, फिर हम एक बार बता रहे हैं आपका, किन कानूनों में प्रथम बार संशोधन किया गया, कब कब किया गया, तो फिर एक बार देखिए, टीपीए में जो संशोधन किया गया वह 1885 में किया गया। फिर आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में जो किया गया वह 2018 में किया गया प्रथम बार संशोधन। फिर आपका सीआरपीसी में जो किया गया वह 1978 में किया गया।
फिर आईपीसी में 1870, फिर आपका एविडेंस में ये पूछा गया था पीओ में पिछली बार 1938 में किया गया, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए तो 1899 में किया गया, और आपका ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है जे में। 1899 में जो संशोधन किया गया इसके तहत क्या किया गया, तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट की धारा 16 है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर या अनुचित असर या बुरा असर या बुरा प्रभाव, इसका प्रभाव अलग किया गया, और इसका प्रभाव कहाँ अलग किया गया, 19A में, और ये 19A कब जोड़ी गई, 1899। तो आपका UPJ में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है कि असम्यक असर का इफेक्ट क्या होगा, ये कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा संविदा अधिनियम की धारा 19A में, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइड होगा कि वाइडेबल होगा, शून्य होगा कि शून्यकरणी होगा, तो शून्यकरणी होगा। और बिहार जे में भी एक क्वेश्चन आया था कि गुरु चेले का संबंध किस में आएगा, तो असम्यक असर। एक उदाहरण बता दे रहे हैं तब आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखिए आपका उदाहरण एक गुरु चेले का ही बताया जाए, बहुत प्रसिद्ध आपका रहता है, और सौभाग्यवश यही उदाहरण सेम उदाहरण बिहार जे में आपका पूछ भी लिया था। तो मान लीजिए ए गुरु है और बी चेला है, और बी के पास एक घोड़ा है यानी कि हार्स है, घोड़े का दाम 1000 रुपया है। अब गुरु अपने चेले की इच्छा को डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं मतलब दबा देते हैं, कुचल देते हैं, अर्थात लीगल भाषा में अधिशासित करते हैं भाई, डोमिनेट करना। और जो ये 1000 का घोड़ा था, गुरु जी इसे 100 रुपया में ले लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चेले की सम्मति स्वतंत्र या फ्री नहीं थी, ये धारा 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित थी, तो इसका प्रभाव कहाँ बताया गया है, 19A कॉन्ट्रैक्ट की किस धारा में, 19A कब जोड़ी गई, रट कर जाइएगा, कब हम बताए थे 1899, और 19A जोड़ी गई तो किसको विकल्प मिलेगा। बिहार में एक फिर एक क्वेश्चन आया था, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों को विकल्प होता है कि एक को, एक को, तो किसको विकल्प इस उदाहरण में मिलेगा, बी को, या तो शांत बैठ जाए तो सब कुछ सही है, और अगर वो चाहें तो गुरु के खिलाफ सिविल सूट दायर करे और कहे कि ये संविदा रद्द किया जाए और हमारा घोड़ा हमें क्या किया जाए वापस, क्योंकि गुरु गुरु घंटाल निकले और 1000 का घोड़ा हमारी इच्छा को दबा के 100 रुपया में ले लिए, तो अगर ये संविदा न्यायालय रद्द करता है तो ऐसी दशा में चेले को घोड़ा मिलेगा, लेकिन चेला भी तो कितना लिया है 100, तो 100 रुपया किसको वापस करेगा, गुरु को, क्योंकि इसी पर इक्विटी का भी एक सिद्धांत है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, यानी कि अपना हक मांगिए, चेला अपना हक मांग रहा है लेकिन जो गुरु का 100 रुपया लिया है उसे देने के लिए तत्पर और क्या रहे तैयार। तो आजकल तो बिहार जो आयोग है एप्लीकेशन पूछ रहा है कि ये सिद्धांत किस धारा में समाहित है, यानी कि जो इक्विटी का क्वेश्चन बिहार का देखिए तो परंपरागत क्वेश्चन से हटकर आपका सेक्शन अब पूछना शुरू कर दिया है कि ये सिद्धांत किस कानून के किस सेक्शन में समाहित है। तो ये आपका संशोधन बता दिया गया। अब आधार देखा जाए, अगला आपका जो नियम पर हमें चलना है, टीपीए का बेस क्या है, टीपीए का आधार क्या है। देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, 3-4 मॉडल बनता है कि द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
किस कानून की कमियों की पूर्ति के लिए बनाया गया या किसका एक पार्ट है या किसका एक अंग है या किसका एक भाग है, तो आप सेक्शन 4 से उठाएंगे, अर्थात आपका टीपीए का सेक्शन 4 स्पष्ट बताता है कि जो टीपीए होगा वह द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का पार्ट होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन बन सकता नया कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसका भाग है, किसका अंग है, तो गलत ना हो, किसका है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि टीपीए का निर्माण क्यों किया गया, तो टीपीए का निर्माण भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की पूर्ति के लिए किया गया, फुलफिलमेंट के लिए किया गया, यानी कि जो कमी कॉन्ट्रैक्ट में रह गई थी उसको क्या करने के लिए, पूर्ति। अगर ये पूछ ले कि पूरक किसका है, ये तो भाग हुआ, अगर पूरक पूछ ले कि किसका ये पूरक है, तो आप बताइएगा भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। ये आगे फिर बताया जाएगा जब सेक्शन आपका 4 आएगा, भाई ये नहीं कि ये दो क्वेश्चन इधर से बनते हैं। अब अगला ये कुछ सामान्य बातें देखी जाए, सामान्य बातों से भी आपका क्वेश्चन बनता है और आपका उत्तराखंड जे में भी बना है, और अभी आपका पिछली बार जब ये हुआ था आपका ये हरियाणा का जब एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी सामान्य बातों से एक क्वेश्चन बना था। देखिए सामान्य बातों में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले लिस्ट बना दिया जाए और एक एक दो दो लाइन इसको समझना रहता है और रट्टा मार कर जाना है, ये सब समझना कम है और क्या करना है, रटना ज़्यादा है। एक तो अधिनियम की तारीख, अधिनियम यानी कि यह एक्ट कब बना, बना का मतलब ये हुआ कि अधिनियमित कब हुआ, कब इसका निर्माण हुआ। तो अगर आपका निर्माण की डेट पूछे तो भाई अच्छे से याद रखना है, और वह डेट है आपका 17 फरवरी 1882। अभी इसको निर्माण की डेट देखिए भाई, देखिए आपका 4, अब कम से कम एपीओ आप लोग मैंने ज़्यादा लोगों को देना है तो वो चारों कानून कम से कम जोड़ कर पढ़िए जिसका जिसका जब निर्माण हुआ। और चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यूएनओ भी पढ़ चुके हैं तो यूएनओ कब अधिनियमित हुआ और कब अस्तित्व में आया, दोनों अलग अलग डेट हैं। देखिए क्रम से बताया जाए, पहले टीपीए बताया जाए, कोई भी कानून कब बना या उसको हम ये कहते हैं कि उसका निर्माण कब हुआ, वह अस्तित्व में कब आया यानी कि वह कब बनकर तैयार हो गया, आपका ये पूछा जा सकता है। या दूसरी भाषा में इसको जो इस समय मैंने आपका साल पेपरों में दे रहा है इसी को थोड़ा घुमा दे रहा है कि इसका अधिनियमित कब हुआ यानी कि यह एक्टेड कब हुआ। जब भी आपका पूछे कि यह एक्टेड कब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह निर्माण की तिथि पूछ रहा है। भाई आजकल जो कंपटीशन में आ रहा है एक्टेड कब हुआ, तो निर्माण की तिथि पूछ रहा है, तो आपका निर्माण की तिथि कौन होती है इस पर थोड़ा अच्छे से गौर करिए। देखिए आपका वर्तमान समय में आप जानते हैं कि अगर संघ स्तर पर कोई कानून बनाना है तो कैसे बनता है, भाई एक विधेयक पेश किया गया, मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा ने पास किया, फिर अनुमति या एसेंट के लिए प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को भेजा गया, और जिस तारीख को राष्ट्रपति क्या कर देते हैं उस विधेयक पर साइन, अब तुरंत याद रखिए वह विधेयक अब
एक्ट या कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई विधेयक, अधिनियम या संहिता कब बनता है? जब उस पर एसेंट दे दी जाती है, या तो राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, और पुराना कानून होगा तो वायसराय द्वारा या गवर्नर जनरल। वहीं अधिनियमन की तारीख होती है, उस दिन कानून बनकर क्या हो जाता है तैयार। तो टीपीए पर चूंकि 1882 में बना, 1882, तो उस समय तो राष्ट्रपति थे नहीं, आपका गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल या वायसराय ने किस तारीख को टीपीए पर साइन कर दिया? तो 17 फरवरी 1882, अब रट कर जाइएगा, यही इसकी अधिनियमित होने की तारीख है, एक्ट बनने की तारीख है। और ये तारीख आपका, मैंने छोटे छोटे कानूनों में ज़्यादा पूछा जा रहा है, टीपीए में अब तक के इतिहास में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकता है। अब इसी के साथ जैसे ही टीपीए पढ़िए, कम से कम आप 4-5 कानूनों के निर्माण की डेट जरूर याद रखिए जो अधिनियमित हुआ है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन से उठाते हैं, कई बार क्वेश्चन बना है कि संविधान कब अधिनियमित हुआ, कब एक्टेड हुआ। तो ये संविधान के प्रियम्बल में ही लिखा गया है, संविधान की उद्देशिका में ही। अगर आप नीचे देखेंगे तो संविधान कब बनकर तैयार हो गया, कब एक्टेड हुआ, तो नीचे एक डेट लिखी गई है। कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949। तो संविधान का निर्माण कब हो गया, एक्टेड कब हुआ, गलत ना हो। इसके बाद आपका उत्तराखंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का निर्माण कब हुआ या अधिनियमित कब हुआ। तो जिस तारीख को राज्यपाल ने क्या किया होगा साइन, और वह साइन किया था 2 जनवरी 2008 को, यानी कि 2 जनवरी 2008 को, अर्थात 2 जनवरी 2008 को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम अधिनियमित हो गया, अधिनियम बन गया, यानी कि कानून बन गया, यानी कि इसका निर्माण हो गया। इसके बाद आपका पूछा जो जा सकता है, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ पूछा गया है, तो आपको दिमाग में बस ये रखना है कि 50 देशों ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, चार्टर मैंने घोषणा पत्र या विलेख या दस्तावेज पर साइन किया था, तो वह मैं डेट बताया था 26 जून 1945, यानी कि 26 जून 1945 को आपका यूएनओ एक्ट बन गया। वो अलग बात है कि लागू हुआ बाद में 24 अक्टूबर 1945, लेकिन बनकर कब तैयार हो गया, 26 जून। ये क्वेश्चन जे में 2 बार रिपीट किया है, और ये भी पूछा है कि लास्ट में किसने साइन किया था, तो लास्ट में आपका पोलैंड किया था, ये भी यूपी में आपका आ चुका है। अंदर बता दे, जो अंदर आकर बैठे बैठे, अभी भाई इधर आकर बैठे आप भाई, अभी बात बैठिए, इधर इधर आगे आ जाइए। देखिए आपका, हाँ क्या ये देखना पड़ेगा, हमें पता नहीं, उतना एक दो का केवल पूछा जाता है, सबका भाई मुश्किल है, खोजना पड़ेगा नेट पर, उतना अंदर तक कभी गया नहीं है भाई, एक सीमा ही रहती है पढ़ाने की। वैसे आप लिख सकते हैं, देख लेंगे आपका, बता देंगे 1882 में। आगे देखिए भाई आपका,
यानी कि आपका ये चल रहा था कि किस तारीख को कौन सा कानून बना, इसके बाद आपका एविडेंस एक्ट में पूछा जा सकता है। तो एविडेंस में पूछ सकता है, सीआरपीसी में, आईपीसी में ज़्यादा निर्माण की तिथि पूछी गई है, एविडेंस सीआरपीसी में कभी नहीं। तो आईपीसी में आपका 6 अक्टूबर 1816 यानी कि 6 अक्टूबर 1860। हाँ, आईपीसी में आपका गवर्नर जनरल पूछा गया है, वह थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन इधर नहीं कभी पूछा जाता है भाई। देखिए आगे भाई, देखा जाए आपका, इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट पढ़ना है, आपका टीपीए कैसी विधि है। भाई बात ना करिए पीछे, देखिए आपका टीपीए कैसी विधि है ये देखा जाए, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। एक जो कानून होता है वह सब्सटेंसिव लॉ होता है। सब्सटेंसिव लॉ को हम इंग्लिश हिंदी में सारवान विधि कहते हैं, सारवान विधि को फिर हिंदी में मौलिक विधि कहते हैं, याद रखिए सारवान। और दूसरा एडजेक्टिव लॉ होता है या प्रोसीजरल लॉ होता है, और एडजेक्टिव या प्रोसीजरल लॉ को प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं, प्रक्रियात्मक। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक बार दोनों को देखिए भाई, आपका जो ये विधियों को हमने दो वर्गों में बांटा, एक सब्सटेंसिव लॉ यानी कि हिंदी में सारवान विधि या मूलभूत विधि या मौलिक विधि, और दूसरा हमने बंटवारा किया आपका एडजेक्टिव लॉ या इसी को प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, प्रक्रियात्मक विधि। तो पहला क्वेश्चन तो ये रट कर जाइएगा, अभी हम बता रहे हैं दोनों क्या होती हैं, लेकिन टीपीए कैसी विधि है तो आप सारवान मारिएगा, सब्सटेंसिव मारिएगा या मौलिक, प्रक्रियात्मक नहीं। अब सारवान विधि कौन होती है, प्रक्रियात्मक विधि कौन होती है, इस पर एक एक लाइन समझना है। देखिए जो कानून या जे जो कानून लोगों के अधिकारों का उल्लेख करे, उनके कर्तव्यों का उल्लेख करे यानी कि राइट का उल्लेख करे, ड्यूटी का उल्लेख करता है, और आपका लाइबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व का उल्लेख करे, और आपस में मानव कैसे ट्रांजैक्शन या संव्यवहार करेंगे यानी कि आपस में वे कैसे लेन देन करेंगे, कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, जिस कानून में इसका वर्णन हो वह कानून आपका सब्सटेंसिव लॉ कहलाता है, अर्थात आपका सारवान विधि। और प्रक्रियात्मक विधि उस कानून को कहते हैं जो सारवान विधि के हनन होने पर आपका न्यायालय में जाने की आपका प्रक्रिया बताता हो कि आप कैसे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, यानी कि अब ऐसी दशा में जो दो कानून शुद्ध रूप से हमारे यहाँ हैं, आपराधिक मामलों में प्रोसीजर सीआरपीसी बताएगी और सिविल मामलों में प्रोसीजर सीपीसी बताएगी, तो ये दो कानून शुद्ध रूप से प्रोसीजरल हैं। आपका अन्य कानून एविडेंस भी प्रोसीजरल हैं, लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टीपीए हो गया, आपका कह सकते हैं कि संविधान हो गया, ये प्रोसीजरल न होकर क्या है, सारवान विधि हैं, क्योंकि ये लोगों के अधिकार दायित्व और कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपका ये आया कि जो आपका एक लाइन बताना हो तो क्या बताएंगे कि सब्सटेंसिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, तो एक लाइन में ये बताइए कि सब्सटेंसिव लॉ वह होता है जिससे व्यक्तियों को अधिकार उत्पन्न होता है या जो व्यक्तियों के अधिकारों का वर्णन करता है, और इन अधिकारों के हनन होने पर, वायलेशन होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा
जिस कानून में वह प्रक्रिया या प्रोसीजर दिया रहता है वह कैसा कानून होता है? प्रक्रियात्मक। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए कि ए ने बी को अपना मकान बेचा, अर्थात ए ने अपना मकान संबंधी अधिकार किसको सौंप दिया? बी को। अब ये है कि भाई बी ने ए की सम्मति पाई थी लेकिन आपका धमकी देकर पाई थी, तो ए कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि हजूर हमारी स्वतंत्र सम्मत नहीं थी, अतः इस सेल डीड को या विक्रय विलेख को रद्द करिए, कैंसिल करिए और हमारी जमीन वापस दिलवाइए। तो ये जो अधिकार के हनन होने पर कोर्ट में जाने का जो राइट है, कोर्ट में जाने का अधिकार है, ये आपका सार्वान अधिकार नहीं है बल्कि कैसा अधिकार है? प्रक्रियात्मक। और चूंकि ये टीपीए सिविल विधि है तो सिविल विधि में प्रक्रिया कौन बताएगी? हमारी सीआरपीसी। और यहीं अगर आईपीसी रहती और आईपीसी के तहत कोई अपराध होता तो प्रोसीजर हमारी सीपीसी न बताकर कौन बताती? तो आईपीसी मौलिक विधि है कि प्रक्रियात्मक विधि? मौलिक विधि। और उसके लिए प्रोसीजर का काम कौन कानून करता है? तो सीआरपीसी। अगला देखिए भाई आपका, अब प्रॉपर्टी पर आया जाए, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी पर भी बहुत क्वेश्चन बने हैं यूपीजे में भी और आपका उत्तराखंड से लेकर बिहार से लेकर तमाम जगह एक बार बताया भी जा चुका है, दोबारा रिवीजन ही कराया जा रहा है क्योंकि भाई कई दिन हो गया था इसलिए रिवीजन एक बार कराना जरूरी है। देखिए आपका सबसे कल ही बताया गया कि संपत्ति के ट्रांसफर के बारे में यह कानून प्रावधान करता है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होगी, संपत्ति किसे कहा जाएगा, ये कानून इस बारे में मौन है। यानी कि एक कमी सबसे बड़ी है कि प्रॉपर्टी को परिभाषित ही नहीं करता और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर या संक्रमण, कल बताया गया था ट्रांसफर को और क्या कहते हैं, संक्रमण या अंतरण के बारे में प्रावधान जरूर करता है। तो वहीं आपको दिमाग में रखना है अच्छे से, आपका संपत्ति सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति। तो भाई बंटवारा कर लेना है, ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में आ रहा है। देखिए टीपीए में किसको परिभाषित किया गया है, किसको नहीं किया गया है, तो पहले संपत्ति बना लिया जाए, एक मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि आपका जंगम संपत्ति या चल संपत्ति कहते हैं, दूसरा अचल संपत्ति या अस्थावर संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहले कंसेप्ट बनाइए, सामान्यतः टीपीए के तहत जो ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है, सामान्यतः हम बता रहे हैं, वह अचल संपत्ति के बारे में है। यानी कि टीपीए का निर्माण मुख्यतः इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतरण के लिए किया गया, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ अंतरण ऐसे आपको मिलेंगे जहां की अचल संपत्ति के बारे में भी टीपीए में प्रावधान है, यानी कि चल संपत्ति के बारे में। फिर भाई वाक्य सुधारा जाए, फिर इसको एक बार देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सामान्यतः जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उसमें अचल संपत्ति के अंतरण के बारे में प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जहां कि आपका चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी के भी अंतरण के प्रावधान किए गए हैं। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, पहला कि टीपीए के तहत किस संपत्ति के ट्रांसफर किया जाता है, अचल चल दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आइए,
क्योंकि कुछ चल संपत्तियां भी हम आगे बताएंगे जहां की उल्लेख है, चल भी हैं कुछ। अब टीपीए का जो अध्याय दो है उसी को बांटकर पढ़ा जाता है और आगे हम बताएंगे भी। आपका ध्यान से देखिए, टीपीए के चैप्टर टू को आपका बंटवारा किया गया है 5 से लेकर 37 और दूसरा 38 से लेकर 53A। देखिए अध्याय दो आपका 5 से लेकर 53A तक, ये टीपीए का सबसे बड़ा अध्याय है। एक बात और याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा 2-4 मिनट अच्छे से समझिए फिर एक बार। देखिए टीपीए के चैप्टर टू में उस प्रिंसिपल को बताया गया है, उन नियमों का उल्लेख है जिन नियमों का पालन संपत्ति का ट्रांसफर करते समय किया जाना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सेक्शन 5 से लेकर 53A तक में कुछ रूल बताए गए हैं, कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं। जब भी व्यक्ति आपका संपत्ति का ट्रांसफर करे, यानी कि चाहे विक्रय करे, दान करे, पट्टा दे, बंधक दे इत्यादि, तो कम से कम इन जो ये जो नियम हैं इनका क्या करे, पालन। तो आगे डिटेल में हम बताएंगे। अब ऐसी दशा में इन नियमों को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक वर्ग क और ए या क, और क में देख सकते हैं कहां से कहां तक धाराएं हैं 5 से 37, और दूसरा वर्ग बांटा गया है बी या ख, और वहां कहां से कहां तक सेक्शन है 38 से लेकर 53A। अब क्वेश्चन देखिए क्या बनते हैं, जो ये 5 से लेकर 37 तक में जो नियम है या प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, अगर चल संपत्ति का ट्रांसफर होगा तब भी ये लागू होंगे, और अचल का होगा तब भी लागू होंगे। अब देखिए कैसे भरमा देता है कि कौन से प्रावधान चल और अचल दोनों संपत्तियों के अंतरण में लागू होंगे, तो दे देगा 5 से 38, 5 से 39, 5 से 36 और 5 से 37। कहाँ से कहाँ तक मार कर आएंगे? हाँ, अब देखिए आपका भ्रमना नहीं है, 5 से ले, फिर एक बार हम बता रहे हैं, ऐसे उत्तराखंड में बना है क्वेश्चन, जाकर देखिए कि चल 5 से 37 तक के प्रावधान लागू होते हैं टीपीए के, केवल चल संपत्ति, केवल अचल संपत्ति में, आपका दोनों में इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कर आएंगे? दोनों, और एकदम रट्टा मार कर जाना है दोनों। लेकिन जहां तक 38 से लेकर और 53A तक की बात है, ये जो प्रिंसिपल या नियम या सिद्धांत हम बताएंगे, ये सिद्धांत केवल और केवल इमुएबल प्रॉपर्टी यानी कि अस्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति के ट्रांसफर में लागू होंगे, चल में नहीं। तो अगला क्वेश्चन अभी बना नहीं है, बन सकता है नया, एकदम बिल्कुल अब नए नए क्वेश्चन आइए कि टीपीए के किस धारा से किस धारा तक के नियम केवल इमुएबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में अप्लाई होंगे, तो दे देगा 37 से 53, 38 से 52, फिर दे देगा 38 से 53 है, इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ से कहाँ तक मार कर आएंगे? 38 से लेकर कहाँ तक? 53A। तो ये एकदम अच्छे से आना चाहिए, ये दो नियम आपका और बताया गया। अब अगला नियम पर आइए, छोटे छोटे नियम हैं। अब आपका संपत्ति का ट्रांसफर करा जाए भाई, उसके बाद से आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक संपत्ति के ट्रांसफर की बात है, आपका संपत्ति का अंतरण कराया जाए, देखिए जो संपत्ति का अंतरण का एक चार्ट बना लेना चाहिए और बनवा दूंगा मैं। संपत्ति का जब भी अंतरण किया जाएगा तो तरीका देखिए,
एक तो आपका पार्टी के एक्ट द्वारा यानी कि पक्षकारों के कार्य द्वारा, एक्ट बाई पार्टी कहा जाता है, पक्षकार ही कार्य करेंगे, और दूसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कि विधि के प्रवर्तन द्वारा। अभी समझा रहा हूँ, मार्कर रिमूव चल रहा है। विधि के प्रवर्तन, इसको ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं। देखिए आपका दो तरीके हैं, यहीं से आपका कंसेप्ट बनाना है और दो तीन आपका कंसेप्ट निकालना है अच्छे से। देखिए संपत्ति का जो ट्रांसफर हो सकता है, या तो कानून ही कर देता है, तो पहले कानून पर आ जाइए कैसे करता है, तब पक्षकार यानी कि विधि के प्रवर्तन द्वारा, यानी कि कानून ही संपत्ति का ट्रांसफर कर देता है। अब दो तीन ऐसे उदाहरण आपको हम बताएंगे जहां कानून स्वतः ट्रांसफर कर देता है। सबसे अच्छा उदाहरण उत्तराधिकार सक्सेशन है, जैसे कि किसी के पिताजी एक्सपायर कर गए, तो आपका कानून स्वतः पिता की संपत्ति को किसको ट्रांसफर कर देता है, उसके परिवार वालों को, पुत्र को, पुत्री को, उनकी पत्नी को, यानी कि किस। तो क्या ये ट्रांसफर अलग से किया जाता है कि कानून स्वतः कर देता है? हाँ स्वतः, तो ये क्या कहलाएगा? अब दूसरा उदाहरण देखिए, न्यायालय ने कोई डिक्री पारित की या कोई आदेश पारित किया, और उस आदेश का पालन कराने में, उस आदेश को इन्फोर्स कराने में, उसका इजरा कराने में, या उसका निष्पादन कराने में, या उसको एग्जीक्यूट कराने में, सब एक ही शब्द है, अलग अलग बताया जा रहा है, एक ही मतलब हुआ, उसको लागू कराने में न्यायालय के आदेश या डिक्री से आपका एक व्यक्ति संपत्ति एक व्यक्ति से किसको दी गई, दूसरे व्यक्ति को, तो ये भी क्या माना जाएगा? विधि के प्रवर्तन द्वारा अंतरण। फिर एक बार देखिए, अगर न्यायालय के आदेश या डिक्री के तहत संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिलवाया गया, तो ये पक्षकारों ने व्यक्तियों ने कोई कार्य नहीं किया, बल्कि किसने कार्य किया? कानून ने। और कानून के तहत एक व्यक्ति से संपत्ति किसको दे दी गई? दूसरे को। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए ये मकान था और ए बी में विवाद उत्पन्न हुआ। ए कह रहा है कि ये मकान मेरा है और बी इस पर कब्जा किया है। न्यायालय ने ए के पक्ष में डिक्री अर्थात आज्ञप्ति पारित की और आदेशित किया कि बी से ये मकान किसको दिलवाया जाए? ए को। तो जब न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार बी से मकान ए को दिलवा दिया गया, तो आप लोग बताइए ये कानून द्वारा दिलवाया गया कि किसी पक्षकार द्वारा? कानून द्वारा। तो कानून द्वारा ये ट्रांसफर हुआ, और तुरंत अब दिमाग में अगला नियम बैठाना है कि जो विधि द्वारा, विधि की प्रवर्तन द्वारा जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, उस ट्रांसफर में टीपीए लागू नहीं होगी, यानी कि इसके लिए अलग कानून जाएगा। जैसे कि आपका पर्सनल लॉ, जैसे पिता मर गए या पत्नी मर गई, कोई मर गया, तो कैसे उनके उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये टीपीए से कवर नहीं होगा। वह किससे कवर होगा? अगर हिंदू है तो हिंदू ला, और मुस्लिम है तो मुस्लिम ला। याद रखिएगा ये टीपीए वहाँ लागू नहीं होगी, और न्यायालय के डिक्री आदेश से हुआ है ट्रांसफर, तब भी टीपीए आपका लागू नहीं होगी। लेकिन अब वहीं लेकिन लगाना है और दो अपवाद देखना है। ध्यान से देखिए, आपका
लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। टीपीए में दो ऐसी स्थितियां दी गई हैं जहां ऑपरेशन ऑफ लॉ अर्थात विधि के प्रवर्तन द्वारा यानी कि कानून द्वारा भी ट्रांसफर हो सकता है। ये एक्सेप्शन है, नियम नहीं है, क्या है? अपवाद। और वहीं रट कर जाना है, एक सेक्शन आपका 57 है और एक अध्याय है 4। तो देखिए आपका क्या क्वेश्चन, ये अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से सेक्शन 2 में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ाया जाएगा। फिर एक बार इसको देखिए। सामान्यतः टीपीए के तहत विधि के प्रवर्तन द्वारा अंतरण नहीं होता, लेकिन दो ऐसी कंडीशन हैं जहां की कानून द्वारा ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है और ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी आया नहीं है। तो एक सेक्शन याद रखेंगे, कौन सा? आपका 57 और एक अध्याय रट कर जाइएगा, कौन सा? 4। तो आगे बताया जाएगा क्या है, अभी तो एक एक लाइन सामान्य बातें। फिर बैक हो जाइए, अब ये तो निकल गया, इस पर आइए, यानी कि आपका पक्षकार के कार्य। जहाँ तक पक्षकारों के पक्षकार के कार्य को तोड़ा जाए भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पक्षकार को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक ऐसे पक्षकार जो लिविंग पर्सन हो, लिविंग मतलब कि जीवित व्यक्ति हो, यानी कि दोनों पक्षकार क्या हो? जीवित। और एक ऐसा अंतरण हो सकता है कि दोनों पक्षकार जीवित न हो, अर्थात दोनों जो पक्षकार होंगे वह जीवित न हो, यानी कि एक जीवित रहता है और दूसरा क्या रहता है? जीवित नहीं रहता। फिर एक बार कवर करिए, तो आपका अभी जीवित बाद में देखा जाएगा जहां टीपी अप्लाई होगी। देखिए आपका भाई, इसको हम बताएंगे, सिद्धांत भी एक आता है, इंटर वाइवस का सिद्धांत पूछा जाता है, लेकिन पहले ये देखिए। देखिए पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में टीपीए प्रावधान करती है। अब पक्षकार का कार्य क्या होता है, और फिर आपका प्रावधान करती है कि जो भी पक्षकार हैं, अभी हम बताएंगे पक्षकार एक उदाहरण से, उन दोनों पक्षकारों को अंतरण के समय जीवित होना चाहिए, ये टीपीए बताती हैं। तो प्रावधान जीवित वाला में हम बताएंगे, पहले ये निकाल लिया जाए जहाँ टीपीए लागू नहीं होती। ऐसी भी कंडीशन होती है कि कानून अंतरण तो नहीं करता, कोई पक्षकार ही करता है, लेकिन उसमें से दोनों पक्षकार जीवित नहीं रहते, एक मर जाता है और दूसरा क्या रहता है? जीवित। तो ऐसी दशा में जब एक पक्षकार जीवित नहीं है तो टीपीए लागू नहीं होगी, क्योंकि टीपीए के लिए दोनों पार्टी क्या होनी चाहिए? जीवित। अब यहाँ आपका एक उदाहरण ध्यान में रखना है, विल या वसीयत या टेस्टामेंट्री या हम कह सकते हैं आपका इच्छा पत्र। अब एक इच्छा पत्र लिखवा दिया जाए। देखिए ये एक व्यक्ति है और उसने एक वसीयत या विल या इच्छा पत्र लिखा, और इच्छा पत्र में ये लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति बी को दी जाए। तो वसीयत तब तक लागू नहीं होगी जब तक ए मर नहीं जाता। तो ए मर गया और वह संपत्ति बेचा उचा नहीं था मरने से पहले, वह संपत्ति बची हुई है, तो उस संपत्ति का अब हकदार कौन होगा? बी। अब बताइए जिस समय बी को वसीयती संपदा मिल रही है, क्या दोनों पार्टी जिंदा हैं? यानी कि जो संपत्ति दे रही है और जो संपत्ति ले रही है, यानी कि इसको अंतरणकर्ता कहेंगे, इसको अंतरिती कहेंगे, अब आगे बताया जाएगा। तो क्या दोनों पार्टी यहाँ जिंदा हैं?
और टीपीए तो कहती हैं कि भाई दोनों पार्टी जिंदा होनी चाहिए, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टी जिंदा है अंतरण की, दूसरी नहीं है, तो वहाँ भी टीपीए के प्रावधान लागू नहीं होंगे। और एक अच्छा उदाहरण हमने कौन सा बताया, विल या वसीयत। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर टीपीए लागू ही किस में होगी। तो अब आ जाइए लास्ट में, जिसमें टीपीए के प्रावधान लागू होंगे, जब दोनों पक्षकार जीवित हों। दोनों पक्षकार मतलब ए अपनी संपत्ति का अंतरण कर रहा है और बी को कर रहा है, तो ए भी जीवित होना चाहिए। और कौन जीवित होना चाहिए? बी। इसी को इंटर वाइवस कहते हैं, या जो भी ट्रांसफर टीपीए के अंतर्गत होगा वह लिविंग पर्सन के बीच होगा, जीवित व्यक्ति के बीच होगा, अर्थात इसी को इंटर वाइवस। एक लाइन याद रखिए, तो इंटर वाइवस का सिद्धांत हम आगे बताएंगे टीपीए की किस धारा में। अब सिद्धांत रटिए, टीपीए की किस धारा में समाहित हैं पांच। जो भी ट्रांसफर होगा वह आपका कह सकते हैं कि जीवित व्यक्तियों के बीच होगा। ये बात अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, ये किस सेक्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया है, सेक्शन पांच। यानी कि अब आइए फिर इसके अपवाद देखने हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है और बिहार मेंस में भी बना है भाई। देखिए, आपका सामान्य नियम यह निकला कि जो ट्रांसफर के पक्षकार हैं, तो एक उदाहरण अब यहाँ बना लिया जाए। ए के पास ये मकान था और ये मकान यह बी को बेचना चाहता है, तो ऐसी दशा में अंतरण करता ए हो जाएगा, अंतरिती बी, यानी कि ट्रांसफरर ए, और ट्रांसफररी कौन होगा? बी। ए अपना ये मकान बी को बेच रहा है, तो कानून ये कहता है कि जिस दिन ये मकान बेचा जा रहा है, ए भी जिंदा होना चाहिए और कौन? बी। इसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, इंटर वाइवस। और ये हम नहीं, कौन सी धारा बता रही है, पांच। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए, लेकिन लेकिन लग गया तो भाई कुछ न कुछ समस्या है, और वहीं लेकिन याद रखना है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, और अपवादों सहित व्याख्या करने आ गया आपका, बिहार में आया था इस बार कि अपवादों सहित व्याख्या करिए। तीन धाराएं अपवाद हैं और तीनों धाराएं मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ। देखिए, आपका सामान्यतः जो ट्रांसफर होगा वह इंटर वाइवस होगा, जीवित व्यक्तियों के बीच होगा, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। तीन सेक्शन इसके एक्सेप्शन हैं, जहाँ की एक पक्षकार जीवित हैं लेकिन दूसरा जीवित नहीं है। और तीनों सेक्शन रट कर जाइएगा, सेक्शन 13 है, 14 है और 16। तो धारा पांच का अपवाद कौन कौन सी धाराएं हैं, 13, 14, 16। अब इसमें क्या है, एक लाइन लास्ट में उदाहरण देख लिया जाए। लगभग अब सामान्य बातें समाप्ति की ओर हैं, यही दो मुख्य रूप से आपका कंसेप्ट रहता है। देखिए भाई, एक उदाहरण उदाहरण आपको ये देखना है कि मान लीजिए ए है और एक अजन्मे को, अजन्मे यानी कि अनबार्न, अनबार्न मतलब अजात, अजात मतलब अभी पैदा न हुआ हो, अभी माने धरती पर क्या हुआ, आ गया कि नहीं आया है। हाँ, तो अजन्मे को आपका देना चाहता है अपना मकान, तो आगे बताया भी जाएगा। तो सेक्शन 5 पर गौर करिए, सेक्शन 5 तो कहता है कि इंटर वाइवस ट्रांसफर होगा और ये जिंदा है, अभी अजन्मा तो आया ही नहीं, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे। लेकिन एक उपाय कानून बनाता है तीन धाराओं में, और वह ये है कि ए अगर ये मकान अजन्मे को देना चाहता है, अजात को देना चाहता है जो अभी जन्म नहीं लिया, तो इसके पहले
एक प्रायर इंटरेस्ट का सृजित कर दे, एक पूर्विक हित सृजित करे, यानी कि किसी अन्य को यानी कि बी को संपत्ति का ट्रांसफर कर दे और बी को कह दे कि तुम संपत्ति तब तक देखभाल करते रहना जब तक कि कौन न जन्म ले ले अजन्मा, और जैसे ही अजन्मा जन्म लेगा वैसे ही बी से प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सी को। अब यहाँ जेस में भी पूछा गया था भाई, ये जो हम बता रहे हैं सेक्शन 13 में नियम है, और ये हम जो बता रहे हैं कि अजन्मा कब हित पाएगा जन्मतः, और ये आपका 20 में है, तो आगे बताया जाएगा यानी कि सेक्शन 13 की पूरक धारा कौन है 20। ये खूब क्वेश्चन बिहार ने बनाया, यूपी ने, कि जो अनबॉर्न पर्सन है वह कब इंटरेस्ट पाएगा, तो जन्मतः, लेकिन मरा हुआ जन्म न लिया हो, कैसे लिया हो जीवित, और कुछ कर कैसा हित पाएगा, पूर्ण हित, कुछ करना नहीं है, बस उसे क्या कर लेना है। तो लास्ट क्वेश्चन उत्तराखंड इस पर ये बनाया कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वह ट्रस्ट है ट्रांसफर करने का। देखिए हम बता रहे हैं, ए अपने मकान से न्यास बना ले और न्यासी किसको बना दे, बी को, और ये लिख दे ट्रस्ट में कि जब ये अजन्मा से जन्म लेगा तो ये जो न्यास की संपत्ति है बी से किस में चली जाएगी, सी में। ये सबसे उत्तम तरीका है आपका ट्रांसफर करने का। अब जन्म नहीं लिया क्या हुआ, मर गया जन्म लेते ही, पहले से मरा जन्म लिया वो तो डिटेल में चलेगा, अभी कहाँ, आपका अभी नहीं पढ़ाया जा सकता, वो 13 चलेगी तब चलेगा कि मर गया तो क्या होगा, जिंदा ही मर गया। लेकिन अजन्मा को जब भी पढ़िए, एक उपाय मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ, अभी आपका पिछली बार यूपी जे में भी आया था, आईपीसी की धारा 299 के एक्सप्रेशन नंबर 3 को जरूर पढ़िएगा, यानी कि हम एक उपाय बता रहे हैं कि आईपीसी की धारा 299 का एक्सप्रेशन नंबर कौन सा, 3। तो जब अजन्मे को सेक्शन 13-14 में हम बताएंगे तो जहाँ जहाँ गर्भस्थ शिशु हैं आईपीसी से लेकर टीपीए से लेकर जिस जिस कानून में, इस बार कोरिलेट कर दिया जाएगा। तो भाई आपका 15 मिनट बाद भाई आपका एविडेंस चलेगा, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है ताकि आपका बैलेंस बने सब्जेक्टों में, क्योंकि एपीओ का भी सिलेबस खींचना है। तो आपका कल भाई टीपीए लिखवा जाएगा, एक पेज में हो जाएगा जितना बताया गया, लिखवाते समय तो भाई मेन में लिखवा जाता है, और फिर आपका कॉपी एक अलग से बना लीजिए टीपीए का, प्री का, मेंस का अलग हम बताएंगे, लिखवा जाएगा, और प्री का कॉपी एक अलग बना लीजिएगा और कल से भाई लेकर आइए ताकि उसी पर। तो अभी 15 मिनट बाद एविडेंस चलेगा भाई आपका।
हेलो।